हेलो फ्रेंड्स, दही तो बहुत तरह से खाए, हम भी दही का रेसिपी डाल चुके हैं हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। हम आज जमाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल पे मिष्टी दही, जो बंगाल का है, बहुत ही फेमस मिष्टी दही। चलिए मिष्टी दही बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं मिष्टी दही जमाने के लिए आधा लीटर दूध, फुल क्रीम दूध है। अब हम गैस को कर लेते हैं ऑन, और तब तक हम उबालेंगे इनको, तब तक कि आधा ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। तो इस तरह से हमको उबालते रहना है इनको। तो दूध में उबाल आने लगे हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से दूध में उबाल रहे हैं। अभी हमको इनको कम से कम 2 से 3 मिनट और इनको उबालें, ताकि दूध एकदम अच्छे से गाढ़ा और हो जाए और आधा हो जाए। तो अभी हम और उबालेंगे इनको 2 से 3 मिनट। दूध काफ़ी मात्रा में यहाँ सूख चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर 4 चम्मच भर के चीनी लिए हैं। तो आप अपने मीठा अनुसार मिष्टी दही बनाने के लिए चीनी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 चम्मच चीनी ले लिए हैं, और हम बाकी चीनी जो 1 चम्मच बचेंगे इनको हम क्रमलाइज करेंगे, तो मिष्टी दही बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो अब चीनी को भी हम उबाल आने तक घुला लेते हैं अच्छे से दूध में चीनी को। तो दूध यहाँ आधा से बेसी सूख गए हैं, हम इनको थोड़ा साइड करते हैं। यहाँ पर चढ़ाएँगे हम तड़का पैन, और इनमें हम चीनी को क्रमलाइज कर लेते हैं। ध्यान रहे आपको पानी अलग से नहीं लेना है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। टोटल 2 चम्मच चीनी को हमको क्रमलाइज करना है, यहाँ पानी नहीं लेना है। तो आप देख सकते हैं चीनी कितना बढ़िया से क्रमलाइज हो गए हैं। अब हम इसी गैस पे फिर से दूध को हम चढ़ाएंगे। दूध को हम गर्म ही रखे थे, और आपको थोड़ा थोड़ा करके चीनी जो क्रमलाइज हम किए हैं इनको लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा लेंगे फ्रेंड्स। और इस तरह से आपको लेना है और मिलाते जाना है। देखिए थोड़ा थोड़ा लीजिए, आपको कम मीठा है तो कम लीजिएगा चीनी, कम बेस कर सकते हैं। यहाँ पे सारे जो चीनी हम क्रमलाइज किए थे इनको हम ले लिए हैं। अब इनको बस चलाना है, अब हमको सुखाना नहीं है, क्योंकि ये हो गए हैं। अब इनको कुछ देर के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर जामुन हम डालेंगे इनमें। गैस ऑफ कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से हाथ को धो के, और यहाँ देख लीजिए अच्छे से फिंगर सुसुम है, एकदम गुनगुने में ही आपको जामुन डालना है। तो इस तरह से आप मिला लीजिए अच्छे से, और इनको भर के 1 से 2 चम्मच आप जामुन को आप ले सकते हैं। और यहाँ अच्छे से मिला दीजिए इनको, इस तरह से मिला देना है। और अब इनसे मिला देते हैं बढ़िया से, और यहाँ पे अब ले लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट दही बनने वाले हैं। यहाँ पे मिट्टी का हम चुकर लिए हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट दही को बनाएंगे। तो चलिए अब हम मिष्टी दही को बनाना शुरू करते हैं, यानी कि जामुन डाल दिए हैं इनमें, और अब ये मटके में डाल दे रहे हैं। बाकी जो बचेंगे हम अलग से दूसरे कटोरे में आपको डाल के दिखाएंगे। बाकी जो जामुन वाले दूध जो बचे हुए हैं हम इसी शीशे के कटोरे में जमा देंगे। अब हम मटका में जो दही जमाए हैं इनमें लगाएंगे इस तरह से सिल्वर फॉइल, मतलब इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल को आप लगा दें और अच्छे से पैक कर दें। हम इनको भी पैक करेंगे, अभी साइड कर देते हैं। इस तरह से एक रबर बैंड लगा दें, दुकान में इसी तरह से रखते हैं लोग, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। दूसरे में भी हम लगा देंगे। ठंड के सीजन में आप थोड़ा गर्म ही रहे दूध तो आप जमाएं। यहाँ पे हम बिछाएंगे एक टॉवल, किचन टॉवल अच्छे से, और इनको भी और इनको अच्छे से देखिए बिल्कुल एयर टाइट की तरह हम इनको ढक दिए हैं। अब फिर से ऊपर से किचन टॉवल से हम इनको इस तरह से ढक देंगे। तो 4 से 5 घंटे के बाद हम मिलते हैं, जब दही अच्छे से जम जाएंगे तो हम फिर आपको दिखाते हैं। पूरे 5 घंटे हो गए हैं, 5 घंटे बाद हम दिखाते हैं आपको मिष्टी दही। तो इनको करिए साइड, इनको भी ज़रा देख लेते हैं। इनमें प्लेट थोड़ा आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मिष्टी दही
यहाँ देख लेते हैं, उनको आहिस्ता से खोले तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये मिष्टी दही जमकर रेडी हो गए हैं और बहुत बढ़िया जमे हैं फ्रेंड्स। अगर इनको आप फ्रिज में रख देते हैं तो और टाइट हो जाएंगे, तो आपको हम कट करके दिखाते हैं एक साइड से, तो देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये जमे हैं मिष्टी दही। ये देखिए बहुत अच्छे जमे हैं, तो है ना मज़ेदार। इस तरह से आप भी जमाएँ और खाएँ। और कैसी लगी हमारी मिष्टी दही के वीडियो, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।